व्हाट्स अप गाइस, आप सभी का वेलकम बैक होगा एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी 2023 को लेकर अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पीटीटी की जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और वो एग्ज़ाम स्टार्ट फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं और वो अप्रैल तक भरने वाले हैं। 5 अप्रैल तक उनके फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 मई भी अनाउंस कर दी गई है, यानी कि राजस्थान पीटीटी 2023 है इसका एग्ज़ाम जो है 21 मई को होने वाला है। और जिस स्टूडेंट को नहीं पता वो बता देता हूँ कि राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम जो है वह है दो तरह से होता है, यानी कि एग्ज़ाम एक ही होता है लेकिन उसके अंदर एडमिशन दो तरीके से मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो 12th पास करके आया हुआ होता है, कौन सा तो 12th पास करके आया हुआ होता है, फिर वो BSc करता है, फिर BEd करता है, तो उसके अंदर उसको लग जाता है 5 वर्ष। लेकिन अगर जो पीटीटी का एग्ज़ाम देता है डायरेक्ट तो उसको 4 वर्ष के अंदर ही BSc और BEd दोनों हो जाते हैं। इसके बाद आता है जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, यानी कि जिसने BSc कंप्लीट कर ली पहले, उस टाइम पीटीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, उसको पता नहीं होगा, कैसे भी करके उसने अगर दी अब ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसको BEd करनी होती है, तो उसके लिए भी वो पीटीटी का एग्ज़ाम देता है और उसके अंदर उसको 2 वर्ष का कोर्स होता है। ठीक है, यानी कि शुरू के अंदर लगेंगे 4 साल जिसके अंदर BSc BEd दोनों साल हो जाएंगी, और सेकेंड वाले में लगेंगे 2 साल जिसके अंदर क्या होता है BEd 2 साल की होती है। तो जो जो स्टूडेंट पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हिंदी और राजस्थान जी की, क्योंकि बाकी मेजर इंजीनियरिंग जो है वो वहाँ पर लोकल आ जाती है और शिक्षण भी रुचि तो पढ़ने की दिक्कत नहीं हो, तो वहाँ पर जैसे क्वेश्चन है वैसा ही आंसर देने की जरूरत पड़ती है। मेन पढ़ना है हिंदी इंग्लिश दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग हो, एक सब्जेक्ट इसमें से और एक GK में से। और अगर जब हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।